अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जल्द ही फैसला आने वाला है। फैसले को लेकर संभल जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कानून व शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सभी थानों व कोतावली में सामाजिक तत्वों को चिन्हित करने की कार्य कर रही है। पुलिस के साथ ही डिजिटल वायलेटर भी सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने पाए। पुलिस और वायलेटर मिलकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर निगरानी रखेंगे। अयोध्या मामले में अब लोगों को फैसले का इंतजार है। बरसों से चले आ रहे प्रकरण का फैसला भी जल्द आ रहा है। अयोध्या प्रकरण के फैसले को लेकर एक और जहां देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से असंवेदनशील शहर संभल में पुलिस अफसर सुरक्षा व्यवस्था चाल पबंद करने जुटे हुए हैं। कुछ होने जा रहा है, वो इतिहास होने जा रहा है, एक ऐतिहासिक निर्णय है। कई वर्षों से इसकी अपेक्षा थी और ऐसे समय बहुत रेयर आते हैं जब इतिहास रचा जाता है, और ये वो फैसला है जिसको आम जनता की भावना और सुप्रीम कोर्ट के संविधान की एक नियत उसके परिप्रेक्ष्य में इसको रखा जा रहा है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से पक्ष विपक्ष निष्पक्ष तरीके से एनालाइज करके एक निर्णय देने जा रहा है। जो भी पक्ष आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वो सिर्फ एक चीज मानना है कि वो इंसान के पक्ष में आएगा, ना ही हिंदू ना मुसलमान के पक्ष में आएगा। वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आएगा, भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए आएगा, और भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं उनको उनमें विश्वास बहाली के लिए आएगा। तो ये हम सभी को, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो भारतीय लोकतंत्र में हमारी आस्था है, उसको और विश्वास करने के लिए हम संविधान में आस्था रखते हुए आपसी भाईचारे को बनाते हुए ये मान के चले कि हमें जो भी निर्णय आएगा उसका सम्मान करना है। कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमारे यहाँ बवाल दंगा इशू नहीं होने जा रहा, लेकिन एक प्रिकॉशनरी तौर पे, एक सेंसिटाइजेशन के तौर पे ये मीटिंग बुलाई जा रही है कि आप भी सेंसिटाइज रहें और हम भी सेंसिटाइज रहें, अवेयर रहें ऐसे मामलों से। इतिहास के पन्नों में हम किस तरफ खड़े होंगे ये इसी बात से तय होगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक निर्णय है, तो हमारी भी भूमिका उसमें ऐतिहासिक होगी। हर व्यक्ति, भारत के सभी नागरिक की भूमिका ऐतिहासिक होगी। अगर वो दंगा करता है, बवाल करता है, झगड़ा करता है, दूसरे को तकलीफ पहुंचाता है, नुकसान करता है, तो इतिहास के काले पन्नों में वो दर्ज होगा। अगर वो सामाजिक सौहार्द बनाता है, आपसी भाईचारगी रखता है, प्रेमपूर्ण वातावरण बनाता है, और बढ़ करके जैसा भी राजू जी ने कहा कि मैं अपने आम मीटिंग बुलाया हूँ, जैसा भी बादशाह जी ने कहा कि मैं कंप्लेंट कटवाऊंगा, इस तरीके से और लोग जैसे इंडस्ट्रीज लोग हैं, उन्होंने कहा, अभी नॉलेज ने कहा कि हम अपने यहाँ जितने भी हमारे कर्मचारी हैं जो जगह जगह जाते हैं उनको सैनिटाइज करेंगे, बताएं, इस तरीके से छोटा छोटा आपका योगदान वो सभी को एक अपनी स्थिति उत्पन्न करने के लिए, अपनी स्थिति दर्ज करने के लिए मौका देगा, और वो इतिहास के सफेद पन्नों में दर्ज होंगे। ये वो मौका है।